परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में। बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हे बकरा काढत नाही तोपर्यंत ही पब्लिक आतमध्ये जाणार नाही। सोसायटीने बकरा नाही काढला आहे, बस त्यांच्याच लोकांनी आमच्या लेडीज लोकांना घाणघाण शिव्या दिल्या। पोलीस स्टेशन मध्ये पण गेलेलो, सगळीकडे लेटर दिलेलं आहे या लोकांनी। लोक डराना चाहता है तो पब्लिक कोई डरने वाली नहीं है। महेश दामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। बीती रात मुंबई से सटे मीरा रोड स्थित जेपी इंफ्रा सोसाइटी में दो बकरे लाए जाने पर घंटों हंगामा हुआ। कभी हनुमान चालीसा पढ़ा गया तो कभी जय श्री राम के नारे यहां पर लगाए गए। हालांकि पुलिस के द्वारा लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहसिन शेख नाम के एक शख्स ने दो बकरे कुर्बानी के लिए अपने घर लेकर आया था, और क्योंकि कल बकरा ईद का त्यौहार भी है। जैसे ही सोसाइटी में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई, सारे लोग सोसाइटी के बाहर जमा होकर बकरे को बाहर ले जाने के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोग यहां तक कि हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जैसे ही इस बारे में पुलिस को जानकारी मिली, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर उनका गुस्सा शांत कराया। हालांकि सोसाइटी के लोगों और पुलिस के बीच में हल्की नोकझोंक भी हुई है। बकरा लाने वाले मोहसिन की माने तो इस सोसाइटी में 200 से 250 मुस्लिम परिवार रहते हैं और हर साल बिल्डर इन्हें बकरा रखने के लिए जगह देता था, लेकिन इस बार बिल्डर का कहना था कि हमारे पास जगह नहीं है, इसके लिए अपने सोसाइटी से बात कीजिए। मोहसिन के मुताबिक उन्होंने सोसाइटी से भी बकरा रखने के लिए जगह मांगी, लेकिन सोसाइटी की तरफ से कोई जगह नहीं दिया गया। तो मंगलवार को तड़के मोहसिन दो बकरे लेकर अपने घर चला आया। हालांकि मोहसिन का कहना है कि हम लोग कुर्बानी कभी भी सोसाइटी में नहीं करते हैं, हमेशा कत्लखाना या फिर बकरे की दुकान पर करवाते हैं। लेकिन बकरा लाने के बारे में जैसे ही सोसाइटी के बाकी लोगों को जानकारी मिली, लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी ने सोसाइटी के लोगों को कहा है कि नियम के मुताबिक सोसाइटी में कुर्बानी नहीं दी जा सकती है और हम ऐसा करने भी नहीं देंगे, और अगर ऐसा किया जाएगा तो हम केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन सोसाइटी में ऐसा कोई नियम नहीं है कि कोई आदमी बकरा घर में ला नहीं सकता है, फिर भी हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए बकरों को यहां से ले जाने की बात पुलिस ने कही है। आपको सुनाते हैं किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ और क्या कुछ लोगों ने कहा है। मामला सिंपल सा है, हम एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं। सारे सोसाइटीज़ मिलके ये तय कर चुकी है और परमिशन नहीं दिया है बकरा लाने का बिल्डिंग में, फिर भी उसके बावजूद बिना सबके अगेंस्ट जाकर, बिना पुलिस के परमिशन के, बिना बिल्डिंग के सोसाइटी के परमिशन के, बाई लॉस को तोड़कर बिल्डिंग के अंदर बकरा लेकर आया गया है। हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ आप बाहर निकालो और ख़त्म कर दो इस बात को, सिंपल एज दैट। इस चीज़ को अननेसेसरी बड़ा चढ़ा के लंबा खींच के 12 बजे आज के डेट में भी सब रस्ते पे खड़े और कोई घर जाने को रेडी नहीं है। जो पर्यंत इथून हे बकरा काढत नाही तोपर्यंत ही पब्लिक आतमध्ये जाणार नाही। त्यांना तुम्ही सांगण्याचा प्रयत्न केला होता? त्यांना आम्ही सांगितलेलं आहे, सोसायटीनं त्यांना हे पण केलेलं आहे की अलाउड नाही आहे, तरी पण त्यांनी बिना परमिशन घेता आणलंच कसं आतमध्ये? त्यांनी भरपूर शिव्या पण दिलेल्या आहेत। सोसायटीच्या मीटिंग मध्ये कुठे विषय झाला होता? झालेला आहे, त्यांना माहिती पण आहे, त्यांनी भरपूर रूल्स तोडलेले आहेत सोसायटीचे। मारामारी कुछ भी नहीं हुआ है, उन लोग ने ही हमारे लेडीज के ऊपर गाली गुलज की है, भरपूर शिवे हिसाब से यहाँ पे औरत के साथ मारामारी, बिल्कुल काही नाही झालेलं आहे। त्यांनी त्यांच्याच लोकांनी आमच्या लेडीज लोकांना घाणघाण शिव्या दिल्या, ठिकाणी लेटर दिले आम्ही। काल रात्री 3 वाजता आणले। आज इस बात का क्यों सगळे चालू आहे, आम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये पण गेलेलो, सगळीकडे लेटर दिलेलं आहे या लोकांनी। जेव्हा आम्हाला समजलं तेव्हा आम्ही सगळी खाली उतरलो, आणि जोपर्यंत बकरं जात नाही बिल्डिंग मधून, जरी पहाट झाली तोपर्यंत इथनं एकही पब्लिक हलणार नाही। सगळी लहान मुलं इथं घेऊन बसलेली आहेत, सगळी फॅमिली इथे आहे, उपाशी फॅमिली बसलेली आहे। जगह आउटसाइड में देता था
और वो किया। हम लोग महानगर पालिका में भी गए, महानगरपालिका उनको जगह बांध के दिया हुआ है, उनको बोला कि अलाउड नहीं है यहाँ लाने के लिए। ऐसा भी सुना जा रहा है कि ये जो बंदा है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है ये शिंदे सरकार का बंदा है, इसको बोरीवली या दहिसर में शाखा प्रमुख बनाया गया है। आज हमें कहीं से सुनने को आया अभी कि तुरंत जो है कि इनको अभी हटा दिए, ऐसा मुझे बोलने में। मैं बोला ठीक है, अगर हटा दिए तो वो शाम आके और ये मामले को क्लियर करे। लेकिन किसी का भी प्रमुख हो उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारी डिमांड ऐसी है कि हमको सोसाइटी में बकरा नहीं काटना है बस। वो अगर वो शिवसेना का जो है ना पक्ष लेके वो हम लोग को डराना चाहता है तो पब्लिक कोई डरने वाली नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम जो भी है अपने नियम कानून के हिसाब से ही कर रहे हैं।